문화선. सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस चुनाव में सबसे पहले अपने पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव यहाँ के राजस्थान प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी इसकी आड़ में एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत चलकर हमें गठबंधन में बहुत कम सीटें देकर हमारी पार्टी को एक प्रकार से या कमजोर व खत्म कर देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में तब फिर हमने ये चुनाव अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में यहाँ अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ के प्रदेश की जनता को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इस खास बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों मजदूरों किसानों व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का कोई खास विकास व उत्थान नहीं हो सका है, जिनके शासनकाल को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ विशेषकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूँगी कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से यहाँ के राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियाँ प्रभावहीन बनाने में व इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में लंबे अरसे तक
जहां राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी के केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस में बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत से अब यहाँ सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के पदोन्नति में आरक्षण को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए अभी भी हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस खास बात को भी ध्यान में रखकर जरूर चलना चाहिए कि इन्हें भारतीय संविधान के तहत आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते हुए इसे लागू नहीं किया था। और फिर इसे लागू करवाने के लिए हमारी पार्टी को पूरे देश भर में काफी कड़ा संघर्ष भी करना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी ये नहीं चाहती थी कि देश में इन वर्गों के हितों में यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों के हितों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और इन्हें भी पूरे देश में एससी व एसटी की तरह आरक्षण की सुविधा मिले। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, जब बीएसपी के अथक प्रयासों से केंद्र में श्री बीपी सिंह की रही सरकार ने इन वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था, तो तब फिर उस समय इनको बाहर से समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी ने इनकी सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं चलने दिया था। फिर इन्होंने पूरे देश भर में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन आदि भी खूब किया था। इसके साथ साथ उस समय बीएसपी के अथक प्रयासों से ही फिर इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इसी श्री बीपी सिंह की सरकार में ही भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने इनको इस उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इसके साथ ही अब इन्होंने खासकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के हित में बने कानूनों को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया है, जिससे इन पर जुर्म जाति करने वाले लोगों का अब मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार ने और ना ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कोई विशेष ध्यान दिया है। इन वर्गों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी हालत पूरे देश में
अभी तक भी यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर हमारी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले को अनेकों बार संसद में भी उठाया गया है, जिस पर केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने और ना ही अब वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक भी इसका कोई संज्ञान लिया है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों की तरह आपके राजस्थान प्रदेश में भी सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित ही नजर आते हैं और इनमें किसान लोग तो यहाँ सबसे ज्यादा दुखी व परेशान हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों में विभिन्न पार्टियों की रही सरकारों की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से अब यहाँ पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है और खासकर डीजल पेट्रोल व रसोई गैस आदि की वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों ने तो अब यहाँ लोगों को और भी ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है। अब हालांकि चुनाव के दौरान में इनकी थोड़ी कीमतें कम हुई हैं, चुनाव से पहले काफी इनकी कीमतें बढ़ गई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से डीजल पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, जिससे यहाँ आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा इनके बिना पूरी तैयारी के खासकर नोटबंदी एवं जीएसटी के लिए गए फैसले से तो अब यहाँ देश की अधिकांश जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने के बजाय यहाँ गरीब व आम आदमी का ही विकास होना चाहिए, तभी सही मायने में यहाँ की जनता अपनी गरीबी बेरोजगारी महंगाई वे अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही जहाँ तक आपके राजस्थान प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का सवाल है तो इस मामले में केंद्र में अधिकांश रही कांग्रेसी सरकार ने वे वर्तमान बीजेपी की सरकार ने भी अभी तक जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं तो उनके अब काफी वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर हुई है और ना ही आम जनता की गरीबी एवं बेरोजगारी में कोई खास कमी आई है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका अपना खुद का राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है और इन विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के
अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं, और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियाँ अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियाँ या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियाँ तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियाँ केंद्र व राज्यों में तथा आपके अपने खुद के प्रदेश में भी अभी तक भी यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में मैं आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी तक भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके, और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है, और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों की तरह खासकर वहाँ गरीब एवं बेरोजगार लोगों को मामूली सा बेरोजगारी भत्ता ना देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमारी रही सरकार ने वहाँ गरीबों मजदूरों किसानों वकीलों कर्मचारियों छात्रों युवाओं महिलाओं व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, और इस मामले में हमारी रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी रही सरकार ने यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली
कई बार वहाँ पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रे शासन काल के दौरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वह हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, अपनी गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके राजस्थान प्रदेश में हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है, तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश की वे आम जन से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो फिर उन्हें भी दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन इन सब कार्यों को करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ अपनी खुद की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। जैसे इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश या विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो इनसे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर दरकिनारे कर देती हैं, अर्थात ठंडे बस्ते में ही डाल देती हैं। जैसे सन 2014 में देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में बीजेपी व खासकर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर चुनावी जनसभा में ये कहा था, खासकर गरीब लोगों को ये कहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर 100 दिनों के अंदर अंदर ही देश के हर गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से उन्हें आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे, जिसे इन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 5 वर्ष पूरे हो जाने पर भी, 4.5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष पूरे हो जाने वाले हैं, तो अपने इस लंबी पूरे समय के अंदर भी अपने इस प्रलोभन भरे चुनावी वायदे को अभी तक भी पूरा नहीं किया है। अन्य चुनावी वायदों का भी इनका यही हाल रहा है। और आप लोगों को और इस मामले में लगभग ये जो चुनावी घोषणा पत्रों को सत्ता में आने के बाद लागू करने के मामले में लगभग यही रवैया हमें केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकारों का भी